उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज चैप्टर पढ़ने वाले रीजनिंग का फर्स्ट नंबर चैप्टर अपना रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो डलेगा अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों अपने रीजनिंग का पार्ट नंबर फर्स्ट है कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में हमने पढ़ेंगे। इसका वीडियो फर्स्ट भी बनेगा, वीडियो सेकंड भी बनेगा, वीडियो थर्ड भी, जितने वीडियो बनेंगे वो मैं पूरे वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अपन मोटिवेशन स्पीच के साथ अपने स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको कामयाबी नहीं मिले तो ये अलग बात है दोस्तों, ये अगर आपको कामयाबी नहीं मिले तो अलग बात है दोस्तों, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करो ये तो गलत बात है दोस्तों। तो लेकिन मेहनत तो करनी है, मेहनत ही अपने सफलता का है, तो मेहनत तो आपको करनी है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे परिवार अच्छे फैमिली से जुड़े हो, तो आप जरूर मेहनत करने वाले हैं। चलते हैं बात कैलेंडर की हो, तो कैलेंडर के बारे में देखते हैं। कैलेंडर का मतलब क्या होता है? कैलेंडर एक समूह होता है दोस्तों। क्या होता है भाई? समूह, एक परिवार होता है। परिवार एक संयुक्त परिवार होता है, छोटे छोटे भाई बहनों का, एक बुआ ताऊ चाची इनका सबों का समूह होता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। वैसे कैलेंडर भी क्या होता है भाई? समूह होता है दोस्तों। ये कैलेंडर क्या होता है? समूह होता है। दिन भी, दिन माह है और वर्ष, इनका क्या होता है भाई? समूह। दिन माह वर्ष मिनट सेकंड इनका क्या होता है? समूह होता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? कैलेंडर कहलाता है। तो कैलेंडर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? पंचांग कहा जाता है। तो कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। कैलेंडर के अंदर अपन ध्यान रखना है दोस्तों, दो वर्ष होती है। तो यहां से मैं नोट लगा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई? कैलेंडर दिन माह वर्ष का समूह है। समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? कैलेंडर कहते हैं। दिन माह समूह वर्ष इनका क्या कहते हैं भाई दोस्तों? कैलेंडर कहते हैं। तो बात करते हैं कैलेंडर, तो कैलेंडर के पहले सबसे बड़ी बात क्या होती है भाई? वर्ष। क्या होती है दोस्तों? वर्ष। तो वर्ष के बारे में पढ़ते हैं। वर्ष होती है दो प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। फर्स्ट वर्ष होती है साधारण वर्ष दोस्तों। क्या होती है? साधारण वर्ष। इसी का नाम होता है अलीप वर्ष। क्या होता है दोस्तों? अलीप वर्ष होता है। बात करता हूं सेकंड नंबर, यहां लिख लेता हूं दोस्तों। एक होती है लीप वर्ष। लीप वर्ष तो दोस्तों इनके बारे में अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। लीप वर्ष इसको असाधारण वर्ष भी कहा जाता है। असाधारण, साधा धारण, असाधारण वर्ष कहा जाता है। तो बात करने साधारण और लीप वर्ष की क्या पहचान होती है? कौन सी लीप वर्ष होती है, कौन सी अलीप होती है दोस्तों? कौन सी लीप होती है, कौन सी अलीप होती है? तो आपको ध्यान रखना है, एक नाम ध्यान रखना है। ये शब्द अपने साधारण, इसमें कितने वर्ड भाई यूज किए गए हैं? चार वर्ड यूज किए गए। इसमें कितने वर्ड यूज किए गए हैं भाई? इसमें दो वर्ड यूज किए गए हैं। तो साधारण, इसमें कितने वर्ड यूज किए गए भाई दोस्तों? चार वर्ड यूज किए गए। तो ध्यान रखना, होता है वह दिखता नहीं है, दिखता वह होता नहीं है। आसाराम बाबू बहुत अच्छा था, लेकिन वो दिखता है, उसका कर्म कैसे थे भाई? तो इसके लगते हैं यदि, तो इसमें अपन पढ़ते हैं यदि साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का मतलब क्या होगा? इसमें चार वर्ड से मिलकर बना तो है, चार वर्ड से मिलकर बना तो है। यदि जिस वर्ष में चार का भाग नहीं जाता है, जिस वर्ष में चार का भाग दोस्तों नहीं जाता है, वो कौन सा वर्ष कहलाता है? साधारण वर्ष। वर्ड के अंदर पहचान गए होंगे, साधारण में कितने शब्द आए भाई? चार। होता हुआ दिखता नहीं है, दिखता हुआ होता नहीं है, लेकिन इस शब्द के अंदर चार शब्द थे, लेकिन उसमें चार का भाग ही नहीं जाता है। तो दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है? एग्जाम्पल करता हूं मैं, पहचान क्या होती है? 0 2007 लिख दिया मैंने, 2005 लिख दिया, 1999 लिख दिया मैंने, 2011 लिख दिया मैंने, 2022 लिख दिया। इसकी पहचान, इकाई व दाई के अंक में यदि चार का भाग जाए, इकाई व दाई के अंक में चार का भाग जाए, इसका मतलब वह संख्या में, पूरी संख्या में भाग ही जाएगा। तो 2007 में चार का भाग जाता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं जाता है। तो ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। इसमें चार का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जिसमें चार का भाग नहीं जाता है वह दोस्तों कौन सी होती है अपने पास? दोस्तों अपने पास कितने हैं? 1999 में चार का भाग नहीं जाता, तो ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है, अलीप वर्ष है। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं दोस्तों। मैं यहां पे लिख देता हूं लीप वर्ष असाधारण वर्ष लिख देते हैं।
तो दोस्तों ध्यान रखना है, जिसमें चार का भाग नहीं जाता उसका मतलब क्या होता है भाई, साधारण वर्ष। जिसमें चार का भाग जाता है, जिसकी भाषा लिख सकते हैं, जिसमें जिस वर्ष में चार का भाग जाए जाए तब उसे क्या कहते हैं भाई, लीप वर्ष कहते हैं। जिसमें चार का भाग जाता है उसको क्या कहते हैं भाई, लीप वर्ष कहते हैं। तो पहचान गए होंगे लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान। इसमें दो वर्ड है, दो में जिसमें चार है उसमें चार का भाग नहीं जाएगा, जिसमें चार नहीं इसका मतलब जिसमें चार का भाग जाएगा। तो इसकी पहचान क्या होती है, एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से लीप वर्ष होते हैं। 2000 मैंने 4 लिखा, 2000 मैंने 8 लिखा, अपने पास 1996 लिखा, इसमें चार का भाग जाएगा भाई, इसमें चार का भाग जाएगा और इसमें भी चार का भाग ही जाएगा। इसमें लिख दिया मैंने आपके पास से 2016 लिख दिया, इसमें चार का भाग जाएगा, 2000 लिख दिया इसमें भी चार का भाग ही जो जाएगा। तो साधारण वर्ष और ऐसा लीप वर्ष के बारे में आप पहचान गए होंगे, इसकी कंडीशन क्या होती है। पहला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसमें, इसमें दूसरा पॉइंट क्या होता है, इससे में दिनों की संख्या, इसमें दिनों की संख्या 365 की होती है। कितने डे होते हैं भाई, 365 होते हैं। इसमें दिनों की संख्या 365 होते हैं, जबकि इसके साथ में लिखते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इसमें दिनों की संख्या 366 होती है। इसमें 365 और इसमें 366 होती है। दोस्तों इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, इसमें दिनों की संख्या 365 होती है। यदि ध्यान रखना है 365 में एक सप्ताह होता है ना, वन वीक में कितने डे होते हैं भाई, 7 दिन होते हैं। 365 में 7 दिन का 7 का भाग देंगे तो अपने पास 52 बार पूरी बात रह जाएगा। इसका मतलब 52 सप्ताह है वह एक दिन होता है। इसकी कंडीशन क्या हो गई, 52 सप्ताह एक दिन होता है। और इसमें जब 366 में जब 7 का भाग देंगे दोस्तों तो अपने पास इसमें आएगा 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह है वह दो दिन होता है। क्या होता है भाई, 52 सप्ताह है दो दिन होता है, इसमें 52 सप्ताह एक दिन होता है। तीसरी बात इसमें क्या होती है, इसमें प्रथम दिन वह अंतिम दिन समान होते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, इसमें प्रथम दिन ऐसे लिख लेते हैं, अंतिम दिन से एक अधिक होता है। ये क्या बात है दोस्तों, इसकी ध्यान रखना, इसमें मैं यहाँ बता देता हूँ, प्रथम दिन अंतिम दिन समान क्या होते हैं। जैसे बात करूँ मैं एक जनवरी 2007 लीप वर्ष है नहीं, साधारण वर्ष है। 1 जनवरी यानी प्रथम दिन और 31 दिसंबर 2007 ये फर्स्ट दिन और अंतिम दिन। यदि यहाँ से अपने पास से क्या है, संडे है, क्या अपने पास है संडे है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, संडे रहेगा दोस्तों। तो इसमें ध्यान रखना है प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें क्या होता है, अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। तो प्रथम दिन से इसमें बात करते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं इसको अच्छी तरह। 1 जनवरी 2004 ये लीप वर्ष नहीं है, 2004 पे लीप वर्ष। 1 जनवरी 2004 से 31 दिसंबर 2004 प्रथम दिन अंतिम दिन से क्या होगा, एक अधिक होगा। अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होगा। यदि यहाँ पे अपने पास संडे है दोस्तों, क्या यहाँ पे आपके पास है, यहाँ संडे है तो यहाँ क्या आएगा आपके पास से, एक दिन मंडे आएगा। यहाँ सोम रविवार तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। एक दिन क्या होगा, प्रथम दिन से अधिक होगा। कब होगा तो आपको ध्यान रखना, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष का क्या होता है, डिफरेंट होता है। प्रथम दिन अंतिम दिन के लिए ये चीज़ें होती हैं। और दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, साधारण वर्ष के
एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के महीने भी समान होते हैं दोस्तों। साधारण वर्ष के और लीप वर्ष के क्या होते हैं भाई दोस्तों, महीने भी समान होते हैं। उन महीनों को अपनी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। क्लास वाले स्टूडेंट से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास में याद कर जाएंगे। वीडियो वाले स्टूडेंट है उनको क्लास में वीडियो के माध्यम से याद करा दूंगा, लेकिन आपको मेरा साथ में बनाए रखना, इधर देखना, स्किप मत करना वीडियो को। चलिए बात करते हैं साधारण वर्ष में महीने समान। इसमें बात करता हूँ साधारण वर्ष में माह समान, साधारण वर्ष में माह समान। तो मैं अपने पास ट्रिक लिखता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ, आपको याद हो जाएगा। सीता, सीता दास ने अप्रैल जुलाई में आजे मान फेरे फेरे माँ जी मान फरमा जी। तो इस साधारण वर्ष में जो माह याद करने का अपने पास चुटकी में अपने पास दोस्तों याद हो जाने वालेगा, चुटकी में आपको याद हो जाएगा। तो साधारण वर्ष के जो माह होते हैं उनका महीनों में कैसे याद करते हैं, कौन सा महीना कौन से समान होता है। तो अपने पास सीता दास है, क्या अपने पास है सीता। देखो दोस्तों, अपने इसकी ट्रिक माध्यम से मैंने ट्रिक लिख दी है, तो आप ट्रिक कैसे याद करेंगे। सीता दास अप्रैल जुलाई में आजे मान फरमाजे। जैसे कोई मेहमान आता है दोस्तों अपने घर पे आता है, जैसे जिया जी आया अपने पास, अपने बहना आया अपने पास, फूफा जी आया, फूफा जी का तो वीडियो वायरल होता है, फूफा तो वो नाराज़ होकर घूमता है दोस्तों। वो नाराज़ होकर इसलिए घूमता है क्योंकि वो उसकी क्या होती है, दायरा कम हो जाता है। तो अपन जैसे वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो कैसे बनाएंगे भाई, बड़ी से बड़ी आपको प्रोडक्ट देंगे आपको। तो मैं चुटकियों में याद कराने को बता रहा हूँ, साधारण वर्ष के जो महीने कैसे समान होते हैं उनको कैसे याद करते हैं, मैं चुटकियों में याद कर सकते हैं। साधारण वर्ष के माह समान, सीता दास, सीता का मतलब क्या हो गया भाई, सी का मतलब क्या हो गया सितंबर हो गया, दा का मतलब क्या हो गया दिसंबर हो गया। तो इसका मतलब साधारण वर्ष में सितंबर और दिसंबर का महीना क्या होता है दोस्तों, समान होता है। अप्रैल, सीता दास अप्रैल और जुलाई का महीना क्या होता है भाई, समान होता है। यानी अप्रैल में 5 तारीख को रविवार है तो 5 जुलाई को भी क्या होगा भाई, रविवार होगा। समान का मतलब क्या होता है, 10 तारीख को अपने पास 10 तारीख को मान लो सोमवार है तो 10 जुलाई को भी क्या रहेगा भाई, सोमवार रहेगा। इसका मतलब समान महीने होते हैं। तो सीता दास अप्रैल जुलाई में आजे बार क्या बोला, मान फरमाजे, माँ क्या हो गया मार्च हो गया दोस्तों, माँ क्या हो गया मार्च, नए इन क्या हो गया नवंबर हो गया दोस्तों, फिर क्या हो गया फरवरी हो गया, फरवरी हो गया है ना। तो फरवरी, मार्च, नवंबर और फरवरी, ये तीनों महीने मार्च नवंबर और फरवरी तीनों महीने क्या होते हैं दोस्तों, ये साधारण वर्ष में समान होते हैं। तीनों वर्ष क्या होते हैं दोस्तों, मार्च नवंबर फरवरी तीनों महीने क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। आजे, आई नहीं क्या हो गया, आई नहीं हो गया अक्टूबर, क्या हो गया दोस्तों अक्टूबर, जैन क्या हो गया जनवरी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये तीन महीने तो ये समान होते हैं, जुलाई और अप्रैल और जुलाई समान होता है, सी यानी सितंबर और दिसंबर के समान होता है। तो सीता दास अपने साधारण वर्ष के माह की ट्रिक क्या है, सीता दास अप्रैल जुलाई में आजे, सीता दास जो व्यक्ति है उसको बोल रहे अरे अप्रैल जुलाई में आजे, आजे मान फरमाजे, जो तेरो मान सम्मान है वो फरमाजे। तो अपनी इसकी क्या ट्रिक हो गई, सीता ने सितंबर दिसंबर अप्रैल जुलाई के महीने समान होते, अक्टूबर आजे का मतलब ऐसे अक्टूबर, जनवरी का जनवरी हो गया, मान मार्च नवंबर, फरमाजे फरवरी हो गया। चलिए छोटू अपने लीप वर्ष की भी ट्रिक अपनी यहाँ लिखते हैं। लीप वर्ष में महासमान, लीप वर्ष में महासमान। तो मैं दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिखने में आप दिखाई दे रहा है ना, आपको सबको दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीता
दास सीता दास ने मालवीय नगर जयपुर में है भाई, मालवीय नगर से फागण आ रही है अभी दोस्तों, फागण आ रही है, फागण में जाजुल ले आया। तो दोस्तों इसकी ट्री अपनों को याद हो जाएगी दोस्तों, लीप वर्ष में माह समान दिखाई दे रहा है आपको, लीप वर्ष में माह के ट्रिक लिख दिया मैंने। क्या था, सीतादास ने मालवीय नगर से फागण में जाजू ले आया, सीतादास ने मालवीय नगर जयपुर पिंक सिटी अपने दोस्तों क्या है, जयपुर राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों, जयपुर। तो अपने पास है सीतादास ने मालवीय नगर से फागण में जाजू ले आया, तो ये ट्रिक क्या हो गई दोस्तों, एक सब साथ में बोलेंगे पहले ट्रिक वापस, तो ये हो गई थी सीता, यानी क्या हो गया सितंबर, क्या हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा सितंबर, दा यानी क्या हो गया दिसंबर, सितंबर और दिसंबर के माह क्या होते हैं भाई लीफ वर्ष में समान होते हैं, माह यानी क्या हो गया मार्च और नई यानी क्या हो गया नवंबर, मार्च और नवंबर के महीने भी क्या होते हैं दोस्तों समान होते हैं, फागण तो फ यानी क्या हो गई फरवरी, क्या हो गई दोस्तों फरवरी, ग यानी क्या हो गया अगस्त हो गया दोस्तों, क्या जाएगा अगस्त हो गया है ना, फागण में अगस्त हो गया, जाजुल तो जय यानी क्या हो गई जनवरी हो गई, जय से क्या हो गई जनवरी, जू यानी क्या हो गई जुलाई हो गई, लैन क्या हो गई अप्रैल, तो अप्रैल में आता है ना अप्रैल, तो अपने पास क्या हो गई जुलाई हो गई, और अपने पास क्या हो गई अपने पास कैसे लिख लिया गया आपने ट्रिक, बेसिक कंसेप्ट लिख दिया, पूरा चित्र लिख दिया, नोट्स बना लेना क्योंकि ऑफलाइन क्लास लग रही है उसका बेनिफिट है। तो अपने पास पड़ा साधारण वर्ष में माह किसे समान होता है, सीतादास अप्रैल जुलाई में आजियो, सीतादास मार्च अप्रैल जुलाई में आजियो, मान फरमाजियो, तो फरमाजियो का मतलब क्या हो गया तीन महीने क्या होते हैं साधारण ब्याज के समान होते हैं, और जुलाई अप्रैल क्या होते हैं समान होते हैं, अक्टूबर और जनवरी क्या होते हैं भाई समान होते हैं, और सितंबर और दिसंबर क्या होते हैं समान होते हैं। फिर लीप वर्ष का माह समान कौन सा होता है, सीतादास ने मालवीय नगर से, तो सीतादास में सितंबर दिसंबर समान होते हैं, मालवीय नगर मार्च और नवंबर समान होते हैं, फागण तो फागण में क्या होता है भाई फरवरी और अगस्त समान होता है, जाजुल जय यानी क्या हो गया जनवरी, जू यानी क्या हो गया जुलाई, लय यानी क्या हो गया अप्रैल, तो ये महीने क्या होते हैं दोस्तों समान होते हैं। साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ ली अपने, लीप वर्ष कौन सी होती है जिसमें चार का भाग जाता है अपने लिख ली थी, जिसमें चार का भाग जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें चार का भाग नहीं जाता है वह लीप वर्ष होती है। तो चलते हैं किसी ने तो अपने इसकी पैटर्न लिख लिया, और वीडियो देख रहे हो अपनी स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसने नोट्स बना लेना, पूरा वीडियो आपके पास आएगा जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है उस टाइप से लिखो भाई। तो दोस्तों अपने कैलेंडर के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं नोट लगा के पहली बातें लिख ली है, एक होती है ईस्वी सन का जो प्रथम दिन रखा गया था दोस्तों, प्रथम दिन का वार था, वह वार था सोमवार यानी मंडे, क्या था वार सोमवार था, प्रथम दिन क्या था सोमवार था, क्या दोस्तों क्या दिन था सोमवार था, ईस्वी पूर्व कैलेंडर रखा गया, ईस्वी पूर्व सबसे पहले दिन क्या रखा गया था सोमवार रखा गया था। बात करता हूँ दूसरा पॉइंट की, एक से सौ तक वर्ष में लीफ वर्ष की जो संख्या होती है दोस्तों, वो संख्या एक वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक लीफ वर्ष की संख्या होती है, तो ध्यान रखना है। तो अपने पास एक से लेकर 100, इसका मतलब गणित के समझते हो, इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा भाई, कहने का मतलब अपने पास कितनी बार चला जाएगा, तो एक से लेकर यहाँ तक निकाल लेंगे तो अपने पास 25, लेकिन एक कम जाएगा तो इसका कितना हो गए 96 से डिवाइड होता है, लेकिन अपने पास एक से लेकर 100 तक
वर्ष में लीप वर्ष की संख्या होती है वो कितनी होती है भाई, 24 होती है। क्या होती है भाई? 24 होती है। समझ गए इस चीज़ को, कितनी होती है? 24। तो मैं बात करूँ इसी पॉइंट को आगे बढ़ा के, 400 वर्षों कितने में, 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, तो अपने पास एक से लेकर 100 में कितनी होती है भाई, अपने पास है कितनी होती है भाई, 24। तो 400 पूछा है तो एक साल में कितनी होती है भाई, 24। तो एक साल में होती है 24, तो अपने पास साल कितनी हो गई, 400 में तो 4 का बेटा बना नहीं बना, गुणा कितनी हो गई 24, प्लस कितनी हो गई, जो 400 है 400 खुद क्या हो गई, लीप शताब्दी वर्ष, 400 के अंदर 400 का भाग देंगे तो क्या जाएगा भाई, भाग जाएगा, तो इसका मतलब एक और हो जाएगी, 24 गुणा कितना हो गई अपने पास, 96 प्लस 1 कितना हो गया, 97 लीफ वर्ष की संख्या होती है दोस्तों। तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट। तो लीफ 400 वर्षों में लीफ वर्ष की संख्या क्या होती है अपने पास है? लिखो जल्दी लिखो, जिसने लिखना है वो लिख लो। लिख लिया है, बेसिक कंसेप्ट हो गया था। अब देखो इसमें आगे बात क्या होती है, एक होती है शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष क्या होती है अपने पास है, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष दो प्रकार से बताए जा सकते हैं, एक होती है सामान्य, कहना मतलब साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। इसमें ध्यान रखना है 400 का भाग नहीं जाता है। जो शताब्दी वर्ड आए उसमें शताब्दी का मतलब सेंचुरी, तो अपने पास कितना होगा, 100 का जिक्र होगा। तो शताब्दी साधारण वर्ष है जिसमें 400 का भाग नहीं जाता है, जिसमें 400 का भाग देना चाहिए लेकिन 400 का भाग नहीं जाता है, यही शताब्दी वर्ष होते है। एक लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, ये लीप शताब्दी वर्ष क्या होती है दोस्तों, जिसमें 400 का भाग जाता है, जिसमें 4 का भाग जाता है, इसका मतलब उसमें 400 का भाग भी जाएगा, तो सारा लीप शताब्दी वर्ष हो गई। तो इसके जो एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके जो कौन से किसके साधारण शताब्दी वर्ष के जो एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा अपने पास 1500 लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 1900 लिख दिया, 1700 लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया अपने पास 2100 लिख दिया, कितना लिख दिया अपने पास 2100 लिख दिया, इसमें 400 का भाग देंगे लेकिन 400 का भाग नहीं जाएगा, तो वो दोस्तों कौन से होते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष होते हैं। लीप शताब्दी वर्ष कौन सी होती हैं, जिसमें जैसे बात करूँ मैं अपने पास से 1600 है, अपने पास 1600 के अंदर 400 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस लीप शताब्दी वर्ष है। मैं लिख रहा हूँ आपके पास 1200 ईस्वी, इसका 400 का भाग जा रहा है, लीप शताब्दी वर्ष है। मैंने लिख दिया आपके पास 2000 जो चल रही है अपने पास, इसमें 400 का भाग जा रहा है, ये लीप शताब्दी वर्ष है। तो लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष का पहचान गए होंगे। तो एक से ले साधारण शताब्दी कौन से, जिसमें 400 का भाग जाता है, जिसमें 400 का भाग नहीं जाता वो तो कौन सी, साधारण शताब्दी, और जिसमें 400 का भाग जाता है वो कौन सी होती है, लीप शताब्दी वर्ष होती है। तो ये बेसिक तो कंसेप्ट था साधारण ब्याज, इसके बेसिक कंसेप्ट था कैलेंडर का, तो मैंने पूरा बता दिया है। तो वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, जो पार्ट नंबर कैलेंडर का जो पार्ट नंबर 2 आ रहा है वो कल आपको अपलोड, परसों आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट डे को आपको, आज की जो डेट में डाला गया वो नेक्स्ट डे को आपको पार्ट सेकंड आपको, आज ये फर्स्ट है, पार्ट नंबर सेकंड आपको जल्दी मिल जाएगा। तो वीडियो को जो कैलेंडर का जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने दोस्तों आपका पूरा सिस्टमेटिक से समझा दिया है, तो इसको अच्छी तरह नोट्स उतार लेना और समझ लेना, ठीक है, ओके।